मेरी फुटबॉल खेलने की इच्छा है, मेरी अब्रॉड जाने की इच्छा है, मेरी उससे बात करने की इच्छा हो रही है, मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही है, मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा है। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में बहुत बोलते होंगे। इंग्लिश में हम इन सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, आज की वीडियो में हम वही सीखेंगे। इच्छा है या इच्छा हो रही है, दोनों के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं विलिंग वर्ड का। विलिंग, विल का मतलब होता है इच्छा होना। विलिंग और विल हम इच्छा हो रही है, इच्छा है, दोनों के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स किसी भी काम को करने का आपका मन है, आपकी विश है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं विलिंग। सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, जिसकी भी कोई काम करने की इच्छा हो रही है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी अकॉर्डिंग टू टेंस रहेगी, पास्ट है, प्रेजेंट है, जैसे इज एम आर, वॉज, वर, नेगेटिव है तो नेगेटिव में बनाएंगे, जैसा आपका सेंटेंस होगा वैसे ही हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे विलिंग टू, चाहे आप बोलना चाहते हो इच्छा है, चाहे इच्छा हो रही है, दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे विलिंग टू। उसके बाद हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हम यूज़ करेंगे अदर वर्ड्स, जो भी आप बोलना चाहते हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरी फुटबॉल खेलने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू प्ले फुटबॉल, आई एम विलिंग टू प्ले फुटबॉल। मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही है, आई एम विलिंग टू टेक टी, आई एम विलिंग टू टेक टी, और आई एम विलिंग टू हैव टी। मेरी उससे बात करने की इच्छा थी, तो अब ये पास्ट के लिए है, तो हम बोलेंगे आई वॉज विलिंग टू टॉक टू हिम, आई वॉज विलिंग टू टॉक टू हिम। मेरी वहाँ जाने की इच्छा नहीं है, आई एम नॉट विलिंग टू गो देयर, आई एम नॉट विलिंग टू गो देयर। मेरी एब्रॉड जाने की इच्छा हो रही है, आई एम विलिंग टू गो टू एब्रॉड, आई एम विलिंग टू गो टू एब्रॉड। मेरी बाहर का खाना खाने की इच्छा नहीं है, आई एम नॉट विलिंग टू ईट आउटसाइड फूड, आई एम नॉट विलिंग टू ईट आउटसाइड फूड। मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश, आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश। अगर आपकी कुछ सीखने की इच्छा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न समथिंग, नोबडी कैन स्टॉप यू। इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न समथिंग और एनीथिंग, नोबडी कैन स्टॉप यू। मेरी मूवी देखने की इच्छा है या इच्छा हो रही है, गाइस ये सेंटेंस आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे।